जी पर एक प्रोग्राम करने जा रही हैं, एंकर शो है, क्या है वो प्रोग्राम, उसके बारे में बताइए। हाँ, शो का नाम है मिडनाइट मैनुअल जी म्यूज़िक पे, और हर आई मीन मंडे से फ्राइडे तक आती है 11 से 12 बजे तक, एक घंटे के लिए। शो का नेचर क्या है, किस टाइम का शो होगा? Well, the show is actually, it's in my bedroom. It's like the set is in my bedroom. Aur aise bistar hai, kursi hai, closet hai, jacuzzi hai, couch hai, sab kuch hai jo bedrooms mein hote hain. To aise hi hai, bedroom hai. And it's basically a music-based show. और मगर मैं हॉलीवुड के बारे में बात करती हूँ और बॉलीवुड के बारे में भी बात करती हूँ, और हर हफ्ते एक गेस्ट होता है। तो मेरा पहला गेस्ट है उपेन पटेल, फिर परवीन दबास आएगा अगले हफ्ते। एंड द थिंग इज़ आई एम गिवन द फ्रीडम एंड द एबिलिटी टू स्पीक अबाउट वट एवर आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट विद गिविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द व्यूअर्स। बट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी रिलैक्स, इट्स नॉट लाइक जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेलीप्रॉम्प्टर, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर है ही नहीं। बट आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ बिकॉज दीप्ति दत्त द प्रोड्यूसर इज ग्रेट टू वर्क विद, एंड शी इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो, शी इज़ ग्रेट टू वर्क विद। लिडिया हु इज़ द हेड ऑफ जी म्यूजिक, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, शी इज़ फैबुलस, द वेरी ऑर्गनाइज एंड वेरी प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद जी म्यूजिक। एंड द शो इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू लाइक get into television, I definitely think so. And what else would you like to know? I mean, I have the ability, and you know, like when I have a guest come on, it's not like I'm given research to like read through about the guest. So the show, I have the ability ki jo bhi mujhe kehna hai viewers se, main keh sakti hu with Bollywood and Hollywood information. Magar jab guests aate hain, like har VJ ko research ka kagaz milta hai, to mujhe कुछ रिसर्च का कागज़ नहीं है। आई हैव टू गेट ऑन टू द सेट, और तभी जब मैं सेट पे जाती हूँ तभी मुझे गैस से मिल सकती हूँ, और तभी बातचीत होती है और कैमरा रोलिंग है। एंड जब कट होता है कैमरा फिर भी रोलिंग है। सो इट्स लाइक वी आर बीइंग रिकॉर्डेड ऑल द टाइम, फ्रॉम द टाइम द गैस एंटर्स द सेट टिल द टाइम द गैस लीव्स। सो इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स लाइक अ रियलिटी शो, द वे इट्स शॉट इट्स वेरी डिफरेंट, द कलर टोन्स दे यूज इन द शो बहुत अलग है। So it's very nice. I'm very happy. I'm quite excited. लगता है काफी चैलेंजिंग रहेगा ये शो आपके लिए, as you will not have any research paper. No. लेकिन आपने कहा कि इसके through आप टेलीविजन में entrance आपको मिलेगी, entry लेंगी आप इसके through. फिल्मों में क्यों नहीं? फिल्मों में? Well, I never really thought, gave it a thought. I mean, फिल्मों के लिए तो मुझे director और producer के office जाना होगा, तो मैं कहीं भी नहीं। और मैं मुझे फिल्म ऑफर्स मिले हैं मगर मैं सोची भी नहीं कि मैं फिल्म में काम करूँगी। अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट होगा या स्टोरी लाइन तभी मैं देखूँगी, जैसे कि ये जी म्यूज़िक ऐसे ही हुआ था, तो मैं सोची हाँ टाइमिंग अच्छा है तो मैं जॉब ले लूँ, क्यों नहीं। तो इफ़ देर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट कम्स इन फिल्म देन आई विल टेक इट अप, बट आई हैवंट रियली डन एनी हार्ड वर्क, एंड यू हैव टू डू अ बिट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट इन मूवीज़, यू कांट जस्ट सिट इन माई हाउस एंड लाइक अपीयर। But let's see, if something interesting, I'll go for it. मगर मुझे हिंदी थोड़ा सीखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसा होता है कि फिल्मों में एंट्री चाहिए होती है तो लोग ट्राई करते हैं एल्बम में आइटम सॉन्ग्स, वैसा कुछ कोशिश कभी नहीं रही आपकी? Well, I'm taking dance classes from Terence Lewis, मगर मैं खाली दो क्लास के लिए गई थी, क्योंकि बीच में मुझे मैं कुछ एक्सीडेंट में थी, ऐसे गिर गई स्नोबोर्डिंग करते, तो मैं डांस क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। मगर अभी मैं वापस टेरेंस लुइस को ज्वाइन करूँगी और फिर देखेंगे, अभी जैसे मैं डांस कर सकती हूँ फिर आइटम नंबर मिलेगा। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट टेलीविजन, फिल्म, एल्बम, क्या? ऑनेस्टली मैं कभी प्लान नहीं करती हूँ, तो मुझे मालूम नहीं मैं ये यहाँ से कहाँ जाऊँगी। शायद मैं मूवी कर सकती हूँ, शायद नहीं, शायद मैं आइटम नंबर कर सकती हूँ, शायद नहीं, शायद मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, मुझे मालूम नहीं। मैं कभी प्लान नहीं किया, हर दिन आई टेक वन डे एज इट कम्स, सो आई हैवंट रियली प्लान एनीथिंग, आई डिडंट प्लान फॉर टेलीविजन टू हैपन, इट केम अबाउट एंड आई सेड व्हाई शुड आई लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एनीवन वुड वांट टू वेयर माय शूज राइट नाउ, और रादर एनी मॉडल।
आगे किसी बिजनेस में जंप करने का प्लान कि चलो रेस्टोरेंट खोलेंगे या कुछ ऐसा बुटीक बुटीक कुछ खोल करके आराम से बैठते हैं? हाँ, ये शो टेलीविज़न के पहले मुझे आई वॉन्ट टू बिकम अ फैशन बायर, मुझे फैशन बायर बनना चाहती थी और मैं लंदन गई थी फैशन बाइंग और मर्चेंडाइजिंग लंदन कॉलेज ऑफ फैशन के स्कूल में पढ़ी थी और कोर्स फैशन बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग किया था, मगर जब मैं वापस आई तो मुझे ये ऑफ़र मिला है और अभी फैशन बाइंग अभी विंडो के बाहर है अभी. So I don't know, I haven't really thought of it. I want to like pursue this TV career for a while, and the good thing about TV is that it opens so many doors for you, so you will never know what can happen next. Maybe I could produce a show, you know, because I am interested in not just being in front of the camera, but I like to know what goes on behind the camera, so anything is possible. Apne show se kya expectation hai? Mere show se 100% expectation. I wanted to fully rock and I'm going to make it rock. And Z Music is backing me up totally. And even I'm doing another show also on Trends. It's called After Hours. So that's not on, that's going to be on air today. But I've got great backing from both this company and I'm very excited. And I know my show is going to rock because I'm putting in a full 100%. So I expect to get a full 100% back. बहुत सारे शोज हैं, एमटीवी है, वीटीवी है, ईटीसी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या डिफरेंट करेंगे इस शो में? आप देखे, आपने मिडनाइट मैनुअल देखा है तो वो बहुत अलग है शो, जैसे उसका शूटिंग का ढंग बहुत अलग है, उनका कलर टोन्स भी अलग है दूसरे शोज से, और अलग है क्योंकि पहले से मैं कुर्सी पर तो कम बैठती हूँ और आई डोंट रीड फ्रॉम अ टेलीप्रॉम्प्टर, आई से व्हाट आई फील लाइक सेइंग. इट्स अ लॉट ऑफ फन शो, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट. एंड यस, इज कॉम्पिटिशन एवरीवेयर, बट इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट द शो इज़ गोइंग टू रॉक, इट विल रॉक. आई मीन ऑफ कोर्स, एंड इट्स समथिंग न्यू, सो पीपल आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग न्यू. एंड व्हाट यू सी ऑन मिडनाइट मैनुअल, नो अदर टेलीविजन शो हैज़ एवर डन बिफोर, सो इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स अ रियलिटी शो एंड नोबडी हैज़ कम अबाउट विद अ रियलिटी शो. So I'm looking forward to it and I'm sure they are looking forward to it too. बहुत सारे shows, बहुत सारे ऐसा कहा जाता है कि models का या anchors की life career wise बहुत कम होती है, क्या opinion है आपका? Well, of course it's a short-lived career. Modeling is a short-lived career. TV, I'm just new now, only a month, so give me a few more, give me a little more time before you pop that question to me. But if it's a short-lived career, then it's fine. But it's also how you handle yourself. No, I mean, like I've been modeling for a while now, but no one ever really thought that I would get into television after this, you know. But it happened, and it's gonna work. So there's a time span for everything, and there's a time and moment for everything. So right now, at the moment, is television. I don't want to know about what's gonna happen later on. I want to go with the flow, and that's where I'm gonna go. Thanks a lot for talking to us, and thank wish you very, very luck, best luck for your bright career. Thank you very much. Thank you.